Good morning, students. In previous class, we just studied this cell and its their organelles. Now today we are starting a new topic, that is cell division. This is the last topic of the chapter. So, bachche, now we are studying cell division. What do you mean by cell division? Division means tukde ho jana, divide ho jana. Koi ek cheez ko do mein divide kar do, humne ek apple ko kaat ke do mein divide kar diya. That is division. हमारे बॉडी में भी ये सेल डिवीजन रेगुलरली पाया जाता है. ये जो सेल डिवीजन है ये दो तरीके की होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. हमारे बॉडी में बेटा दो तरह की सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स. सोमैटिक सेल्स यानी जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सेल्स है उनकी सेल्स, जिनमें नॉर्मली डिवीजन होता है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सो ऑन. और ये जो डिवीजन है ये सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो डिवीजन है वो क्या है, माइटोसिस. दूसरा तरह का डिवीजन है मियोसिस. ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही, उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है टेस्टिस है ओवी. तो इनमें जो ये सेल्स बनती है जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स एंड ओवा, तो वो हैप्लॉइड सेल्स के मतलब वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी से हाफ होते हैं. तो वो जो डिवीजन है वो कहलाता है मियोसिस. इसीलिए हम इसको तो इक्विटोरियल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो इक्वल रहते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें जो बनेगी नई सेल्स उनमें भी 46 ही होंगी. इट मीन्स एक सेल की दो कॉपी हो गई बस, बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मियोसिस जो है वो रिडक्शनल, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाना. इसमें जो चार, इसमें एक सेल से जो चार डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल 46 जो है उससे 23 करके सेल्स बनती है, और इस तरीके से एक मदर सेल से चार मदर, चार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है. थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस. माइटोसिस इज एन इक्विटोरियल डिवीजन एंड फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी. इसमें आइडेंटिकल कॉपीज, इसमें जो मदर सेल है जिस सेल के टुकड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं मदर सेल, और जो उससे नई सेल्स बनती हैं वो कहलाती हैं डॉटर सेल्स. इसमें सबसे पहले क्रोमेटिन बनते हैं, मैंने न्यूक्लियस में आपको बताया था. इसमें कुछ फेजेस होती हैं, फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, टेलोफेज. सबसे पहले होती है इंटरफेज. इंटरफेज में ये दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फेज, क्योंकि इसमें सेल जो है वो सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करती है. जैसे एग्जाम से जस्ट पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, खूब सारा पढ़ते हैं, रखते हैं, जिससे कि हम एग्जाम लिख सकते हैं. सेम ऐसे ही इसमें सेल जो है अपने को किस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, इसलिए दैट इज दिस कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फेज. देन उसके बाद जब पूरी तरह प्रिपेयर हो गई तब फर्स्ट फेज शुरू होती है प्रोफेज. इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है दे आर थिकर लीड टू द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स बनते हैं और 46 क्रोमोसोम्स जो है इसमें बन जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और पूरी सेल में ये साइटोप्लाज्म फ्लॉप करते रहते हैं. उसके बाद मेटाफेज आती है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम की होती है. इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे सेल के बीचों बीच आकर एक लाइन पर इकट्ठा हो जाते हैं, और बस इकट्ठे होने के बाद इनमें डिवीजन होता है. डिवीजन होते ही इसमें से ये जो न्यूक्लियस हैं जो डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर वो इसमें इसमें चले गए, और ये जो फेज होती है आपकी एनाफेज. एनाफेज के बाद यहाँ से इनकी सेल लाइन जो है ये भी कट जाती है, और कटकर इसमें दो डॉटर सेल्स बन जाती है. अब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 46 में 46 से रहे. कैसे, यहाँ 46 थे, यहाँ पर 46 थे, यहाँ पर ये ब्रेक हुए तो एक क्रोमोसोम की थी तो दो हुई, तो नंबर तो वही 46 आ गए, और जो डॉटर सेल्स बनी इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं. इट मीन्स डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स बन. ये हमारा कहलाता है माइटोसिस डिवीजन. मियोसिस डिवीजन जो है वो थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव है, रिडक्शनल है. इसमें क्या होता है, दो फेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट में ही एक्चुअली जो डिवीजन है वो हो जाता है. इतना डिटेल आता है नहीं, सिर्फ हम लोग इतना करेंगे कि इसमें जो ये मदर सेल्स हैं उससे डॉटर सेल्स बनती है, और ये जो डॉटर सेल्स है इन्हीं में डिवीजन हो जाता है. जैसे इसमें 46 है तो इनमें 23 बदलती है, और फिर इनसे
है ये जो डिवीजन है ये तो रिडक्शन डिवीजन है और यहां ये जो होगा ये माइटोसिस की तरह है इक्विटोरियल होगा और रिजल्ट में हम देखेंगे कि एक सेल से 1 2 3 4 चार हैप्लॉइड मदर डॉटर सेल्स बनती है जो कि हम कहते हैं गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों में ही इसी के कारण स्पर्म का ओवा का निर्माण होता है और इस तरह से इसी मियोसिस के कारण ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन बींग्स में किसी भी स्पीसीज में कांस्टेंट रहते हैं अदरवाइज अगर माइटोसिस की तरह हो तब तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 20 और 46 से भगवान जाने कितने पहुंच जाएंगे लेकिन इसके इस रिडक्शन ऑफ डिवीजन की वजह से ही ह्यूमन बींग्स में आज से 100 साल पहले भी 46 क्रोमोसोम्स थे और आज भी 46 है और आज से 100 साल बाद भी 46 रहेंगे सिर्फ इस रिडक्शनल डिवीजन के कारण तो ये हमारा मियोसिस है सो बच्चे इसमें भी वही फेजेस होती है वही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज फिर सेकंड जो होती है हमारी वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होती है सो बच्चे आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया होगा और बड़ी क्लास जब हम जाएंगे तो इससे ज़्यादा डिटेल हम स्टडी करेंगे आई एम शेयरिंग सम नोट्स विच यू हैव टू बी कॉपीड आउट इन योर नोट बुक नाउ नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सो टिल देन गुड बाय